नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। एमएलएसएम कॉलेज के छात्रों ने पद यात्रा निकाला। इस यात्रा का नाम उन्होंने अपना अधिकार मार्च रखा। अधिकार मार्च इसलिए कि इनके 5 सूत्र मांगे हैं जो विश्वविद्यालय से ये मांग रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। आज वो पद यात्रा अपने कॉलेज से होते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने इन मांगों के लिए धरना दिया और प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन का वहाँ पे द्वार बंद था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथों में सैनिटाइजर लगाकर वो इसी उस अधिकार मार्च को निकाले और वहाँ तक पहुँचे। हमने वहाँ कुछ छात्रों से बात किया तो उन्होंने बताया कि उनके 5 सूत्री मांगे हैं जो वो काफ़ी लंबे समय से विश्वविद्यालय से मांग कर रहे हैं कि वो पूरा करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना काल में जहाँ छात्रों को अपने घरों में रह करके पढ़ाई करना चाहिए थे, वहाँ पे विश्वविद्यालय इन्हें कोरोना काल में पद यात्रा करा करके वो क्या साबित कर रही हैं ये हम नहीं जानते। एमएलएसएम कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष दिवाकर मिश्रा से हमने बात की, हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उनकी 5 सूत्री मांग क्या है हम उन्हीं के जुबान से सुनते हैं। ये जो अभी आप लोगों ने निकाला है अपनी रैली और यूनिवर्सिटी तक आए हैं, क्या मांगे हैं और किस कारणवश ये रैली निकली है? सबसे पहले हमारे 5 प्रमुख मांगे हैं। कारण बस ये है कि विगत 1 साल से हम छात्र संघ एमएलएसएम कॉलेज का अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे आवेदन देने के बावजूद विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अतः हम लोग विवश होकर कोरोना महामारी में अपने 5 मुख्य मांग सूत्र के 5 सूत्र के साथ यह आंदोलन निकाले हैं, जिसका नाम अधिकार मार्च रखा गया। तो पांचों क्या है आपके? पांचों मांग है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय खंड स्नातक के छात्रों को और पीजी के छात्रों को प्रोन्नति दे। दूसरा मांग है जो नूतन छात्रों का नामांकन ले। तीसरा मांग है जो एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा जिला का सबसे बड़ा कॉलेज है छात्रों के मुकाबले, लेकिन फिर भी यहाँ को इस कॉलेज के छात्रों को छात्रावास सुविधा नहीं दी जा रही है। हमारी यही मांग है कि विश्वविद्यालय जल्द से छात्रावास सुविधा दे। हमारा चौथा मांग है कि विश्वविद्यालय एमएलएसएम कॉलेज में पीजी के कोर्स पीजी का पढ़ाई अविलंब शुरू करवाए। और हमारा अंतिम मांग है जो विगत 1 साल से 3 साल से जब हम छात्र संघ अध्यक्ष ना भी थे और मिथिला स्टूडेंट यूनियन एमएलएसएम कॉलेज इकाई में जब थे तब एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा जिला में स्पोर्ट्स के रूप में नंबर 1 पे था, उसी के तहत हम 3 चीजों का मांग कर रहे हैं। खेल के रूप में हमारे बैडमिंटन कोर्ट और कबड्डी के मैट कोर्ट और खो खो का मैट कोर्ट हमें अविलंब बनाकर हमारे कॉलेज में दे, ताकि जो खिलाड़ी हैं वो खेलकर अपने नाम, कॉलेज का नाम और विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सकें। आपका नाम? दिवाकर मिश्रा, वर्तमान में मिथिला स्टूडेंट यूनियन संगठन मंत्री और एमएलएसएम कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष।